Assalamu alaikum to my all students. I hope you all are fine. Today we are doing day 90 and our hash is 96. आज का जो हमारा डे है वो 90 है और हमारा हैश जो है वो 96 है. 96 हैश में आपके पास आ रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ वीकली प्लानिंग. अब प्रेजेंटेशन अगर आपकी क्लास होती है, आप स्कूल में होते तो हम प्रेजेंटेशन करते, इसलिए आप ये जो है प्रेजेंटेशन वाले वीकली प्लानिंग को आप स्किप कर देंगे. अगर आपने लिखी भी है तो हम, अगर आप क्लास में तो हम सबसे ऑब्जर्व मतलब प्रेजेंट करवाते हैं और सब अपना वीकली प्लानिंग बता दें कि आप क्या करते हैं. अभी आप स्कूल में नहीं है तो इसलिए आप इसको स्किप कर दें. इसके बाद आ रहा है आपके पास फ्लैशबैक ऑफ चैप्टर द टाइम ऑफ द डे. हमने द टाइम ऑफ द डे चैप्टर पढ़ा है. मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक दे देती हूँ कि टाइम ऑफ द डे है क्या. ठीक है, ये द टाइम ऑफ द डे हमने चैप्टर पढ़ा था. टाइम ऑफ द डे, टाइम का तो मतलब सबको पता है कि हम जो भी काम करते हैं अपने टाइम पे करते हैं और हमारा टाइम एक मेंशन हुआ हुआ होता है कि हमें कौन से टाइम पर क्या करना है. जैसे आपका काम है, जैसे आपको होमवर्क करना है, आपका टाइम एक है, आपको ट्यूशन जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, सबका एक टाइम मेंशन किया हुआ है कि आप कौन से टाइम पर आप क्या करते हैं. आपका ये तो नहीं है ना कि अगर आप 2 बजे लंच कर रहे हैं और आप 2 बजे की जगह आपने जो है शाम के 5 बजे कर लिए, तो ये तो आप नहीं कर सकते. सही है. और अगर स्कूल आपको जाना है तो आप सुबह अर्ली आप उठेंगे 7 o'clock पर. ऐसा तो नहीं कि आप 10 o'clock पर उठ रहे हैं और फिर स्कूल जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना. क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम मेंशन किया है कि आपको कौन से टाइम पर क्या करना है. समझ आई सबको कि टाइम का मतलब क्या है? एक वक्त. आपने हर एक एक चीज़ का वक्त रखा हुआ है, एक टाइम रखा हुआ है. आपके प्लेइंग का टाइम अलग है, आपके खेलने, आपके होमवर्क का टाइम अलग है. सही है, हर चीज़ का आपने एक टाइम मेंशन किया हुआ है, तो टाइम का मतलब यही है. ठीक है, इसके बाद आपके पास आ रहा है डू एक्सरसाइज ए पेज नंबर 66. पेज नंबर 66 पर आपको एक्सरसाइज ए करनी है, तो अपनी बुक का पेज नंबर 66 ओपन करें. पेज नंबर 66 का, ये देखिए पेज नंबर 66 है, उसका उसकी आपको करनी है एक्सरसाइज ए. लिसन टू योर टीचर, राइट द टाइम्स इन द स्पेस. अब यहाँ पर आपके पास पिक्चर बनी हुई है, मैं आपको बोलूँगी, आपको वही आपको यहाँ पर टाइम लिखना है. सही है, यहाँ पर देखिए कैट जैसी बनी हुई, ठीक है. अब यहाँ पर वो कितने बजे उठती है, इसके बाद फिर क्या करती है, सारा आपको मैं बताऊँगी. आप फिर वही डे और वही टाइम लिखेंगे. सही है, शी गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. वो कितने बजे उठती है, 7 o'clock पर. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 7. ठीक है, सही है. उसके बाद वो क्या करती है, She has a breakfast at 8 o'clock. वो कितने बजे ब्रेकफास्ट कर रही है, 8 o'clock पर. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 o'clock, राइट. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या करती है, Tom comes home from school at 3 o'clock in the afternoon. She plays with him. Tom's कितने बजे स्कूल से घर आ रहा है, होम कितने बजे घर पे आ रहा है, वो 3 o'clock पर. तो यहाँ आप लिखेंगे 3 o'clock. ठीक है, सही. उसके बाद वो क्या है, देखे क्या करी, शी ईट्स फिश फॉर डिनर एट 7 o'clock. वो क्या खा रही है, फिश खा रही है. कितने बजे खा रही है, 7 o'clock पर. सही. उसके बाद वो क्या, शी गोज टू स्लीप एट 8 o'clock. उसने डिनर कितने बजे किया, रात के 7 बजे. उसके बाद वो सोने जा रही है कितने बजे, 8 o'clock पर. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 o'clock. सही है, 7 o'clock, 8 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock और 8 o'clock. ये आपको बुक में ही करना है. सही है, ठीक है, हमारा ये काम हो गया. इसके बाद आप देखें आपका होमवर्क है रिवाइज यूनिट 4. यूनिट 4 में आपको जो जो मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने ग्रामर की एक्टिविटीज़ करवाई है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने समझाया है, प्रेजेंट टेंस समझाया है, एडवर्ब्स हो गया, एडजेक्टिव जो भी है, प्रेपोजिशन व्हाटएवर, इन सब की आपको जो है प्रैक्टिस करनी है. पूरा यूनिट 4 यानी कि सारा काम जो भी इसमें आया आपको सिर्फ रिवाइज करना है. सही है, और ग्रामर की प्लीज़ अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा. मेन जो है आपका प्रेजेंट टेंस, टेंसेस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है, होप्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.